एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25 में 34 है। क्वेश्चन 24 में गिवन है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स। सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला देखना है कि लॉग एम टू दी पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग एम, एन लॉग एम। ओके, एन लॉग एम को, एन लॉग एम को हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम टू दी पावर एन, क्योंकि यहां पे इस फॉर्म में दिया हुआ है एन लॉग एम। एन लॉग एम इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम टू दी पावर एन। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे देखिएगा कि यहां पे हम लोग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है इसमें। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और इसमें तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसमें जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे इस टर्म में लॉग क्या हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और ये टू पावर इसमें आ जाएगा यूजिंग द फॉर्मूला एन लॉग एम को एन लॉग एम टू दी पावर एन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स के पावर फोर डीएक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को अगर बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में बाहर आ जाएगा तो एक्स आ जाएगा, और ये हो गया वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। और यहां पे हम लोग लॉग एम माइनस लॉग एन करेंगे तो लॉग एम बाई एन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स। यहां से एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा एक्स क्यूब। ठीक है, और इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर लॉग वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको इसके एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन, और ये हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब यहां से हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद हम लोग लेट ले रहे हैं, लेट वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लोग टी मान रहा हूं तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन का जीरो, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट सबसे पहले देखेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस टू हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के पावर माइनस टू बाई थ्री एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले यहाँ पे देख लेना, देख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई एक्स के पावर टू प्लस वन, यानी माइनस टू बाई एक्स के पावर थ्री। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि क्या है, तो ये हो गया वन का जीरो, और ये हो गया माइनस टू बाई एक्स के पावर थ्री डी एक्स इक्वल टू डी डी, ये हो जाएगा डी डी। ठीक है, तो इसको रफ कर रहे हैं, ये आ गया मेरा। तो अगर हम हमको चाहिए क्या, डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो माइनस टू यहाँ पे लाएंगे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स क्यू इक्वल टू डी डी, और टू नीचे आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे मिला, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग टी लिए हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी, यहाँ पे कोई नियम, और इंटू क्या है लॉग, इंटू है लॉग, ये है टी, लॉग वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को टी माने हैं, तो ये हो जाएगा क्या, इसको इंटू में हम लोग लिख रहे हैं लॉग क्या है टी, लॉग टी। और डी एक्स बाई एक्स क्यू को, डी एक्स बाई एक्स क्यू क्या है माइनस डी टी, तो माइनस बाहर करते हैं, यहाँ पे डी टी लिख रहा हूँ और वन बाई टू को यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये अब आ गया, ये बाई पार्ट, यू इंटू वी, बाई पार्ट से अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो बाई पार्ट से हम लोग क्या कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, आईलेट को, आईलेट से आई इनवर्स एल लॉगरिथम, और ये एलजेब्रिक है, टी ट्रिगोनोमेट्री, और ये एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन है, अंडर रूट टू एलजेब्रिक है, ये एलजेब्रिक है, और ये लॉगरिथम है। तो सबसे पहले कौन आया, लॉगरिथम आया, तो लॉगरिथम को हम लोग यू मानते हैं और इसको वी मानते हैं। ठीक है, आईलेट से हम लोग यू और वी डिसाइड करते हैं कि यू कौन होगा और वी कौन होगा, तो यहाँ डिसाइड कर लिया। और बाई पार्ट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाई पार्ट का, यू इंटू बी डी, अगर डी डी एक्स है
u इंटू बी डीएक्स, तो क्या होता है u को अगर बाहर करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा du बाई डीएक्स, du बाई डीएक्स इंटू इंटीग्रेशन और v dx, और जो रिजल्ट है तो उसको आगे इंटीग्रेट करते हैं। तो यूजिंग ये फॉर्मूला हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या आएगा रिजल्ट, सबसे पहले u को बाहर करेंगे, माइनस वन बाई टू ये है, u को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा log t बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेट होगा अंडर रूट p dt, माइनस यहां पे u को डिफ्रेंशिएट करना है तो log t बाई dt, dt के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt, जो रिजल्ट आएगा इसके पूरे इसको अगेन डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है। तो ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा माइनस वन बाई टू और ये हो गया लॉग टी, लॉग टी और रूट टी का इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू द पावर वन बाई टू है, इसका होता है क्या टी के पावर वन बाई टू प्लस वन, तो ये हो गया वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन, माइनस यहां पे लॉग टी का होता है वन बाई टी, लॉग टी का होता है वन बाई टी और यहां पे क्या हो जाएगा रूट टी का टी टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन डी टी, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट इसको आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद माइनस वन बाई टू इंटू यहां पे क्या हो रहा है लॉग टी इंटू ये हो रहा है टी के पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू माइनस, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है अगर टी को अगर न्यूमरेटर में लाएंगे ये हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग थ्री नहीं टी टू दी पावर क्या है वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन ये हो जाएगा थ्री बाई टू और इंटू क्या हो जाएगा ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा टी टू दी पावर माइनस वन और डिवाइडेड बाई ये है थ्री बाई टू डी, ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा और ये थ्री बाई टू को दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो थ्री बाई टू को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अगर इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो टू बाई थ्री हो जाएगा और ये है लॉग और टी का ये लॉग टी इंटू क्या टी टू दी पावर थ्री बाई टू, इसको पहले हम टी टी टू दी पावर थ्री बाई टू को पहले लिख रहे हैं और लॉग टी को बाद में लिख रहा हूं, माइनस यहां भी ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टर्म रूट टी, कैसे थ्री बाई टू माइनस वन बाई वन ये हो जाएगा टू और ये हो गया थ्री माइनस टू इक्वल टू वन बाई टू और वन बाई टू का मतलब रूट टी, रूट टी मतलब टी टू दी पावर वन बाई टू, वन बाई टू टी, ठीक है, ये टू और टू कैंसिल माइनस वन बाई थ्री और टी, टी का वैल्यू कितना है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू लॉग टी, टी का वैल्यू वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा टी टू दी पावर वन वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू और ये हो जाएगा प्लस सी और टी के पावर हमारा थ्री बाई टू आया और टी का वैल्यू है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको पुट करेंगे तो माइनस वन बाई थ्री और यहां भी वन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन थ्री बाई टू है यहां भी है तो कॉमन इसको ले लेते हैं वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू ये कॉमन हो गया यहां से यहां भी था और ये टर्म एक्स का टी का वैल्यू यहां पुट करते हैं वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बनेगा लॉग वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम लोग टू बाई थ्री टू बाई थ्री प्लस यही आंसर, ठीक है।